मोटापा जो आपको आपकी एज से बड़ा दिखाता है। हर रोज कमेंट्स आते हैं, बाजू मोटी है, गर्दन डबल हो गई है, पेट इतना निकल गया है, पैरों पर चर्क भी तो बिल्कुल भर भर के आ गई है, और कमर की तो कोई शेप ही नहीं रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अमेजिंग सा पाउडर जिसको आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, और चाहे आपका कहीं का भी मोटापा हो उसे आप बहुत जल्दी, यकीन मानिएगा कि 15 दिन में आपको पता लग जाएगा कि जो आप पी रहे हैं वो कितनी मैजिकल चीज़ आप पी रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा आपके बॉडी को लग रहा है। तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए जल्दी से भाग लेते हैं। पे वेट कम करने की बात हो, वहाँ पे अजवाइन का नाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो आपको अजवाइन पिलाई जाती है ताकि आपका जो पेट है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और आपका फैट अच्छे से निकल जाए। तो अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है तो डेफिनेटली अजवाइन को उबालिए और इसका पानी पीजिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा करती है अजवाइन आपके मोटापे को रिड्यूस करने में, वेट को लॉस करने में, कब्ज को दूर करने में, एसिडिटी, गैस की जो प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, एजवाइन उनको कवर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, डाइजेशन को बेहतर बना के आपको सुबह बड़े अच्छे से फ्रेश करने में मदद मिलती है अगर आप एजवाइन का सेवन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एजवाइन करीब 3 बड़े चम्मच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स होने वाला है वो है सौंफ, जिसे अक्सर आप खाना खाने के बाद खाते हैं, मिश्री के साथ खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि आपने जो खाना खाया है वो अच्छे से पच जाए, उसको पचने में थोड़ी सी मदद मिल जाए और वो आपके पेट में, आपकी बॉडी पे कहीं पे भी जमे ना, उसका जो फैट होता है वो ना जमे। और सौंफ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, अजवाइन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। अगर आपके बॉडी की तासीर गर्म है तो भी आप इसको ले सकते हैं, थोड़ी सी कम क्वांटिटी में आप इसको ले सकते हैं। तो दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, इक्वल क्वांटिटी में आपको दोनों ले लेने हैं। उसके बाद आपको तवा लेना है, गैस ऑन कर लेनी है, सिम रखनी है बिल्कुल, और हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स था अजवाइन उसको हम डाल देंगे। रोस्ट करना है बस, हल्का हल्का सा इनको ब्राउन करना है, और सौंफ भी हम इसको डाल देंगे। अच्छी बात पता है क्या है इस रेमेडी की, कि आपको इसे हर रोज नहीं बनाना पड़ेगा, आप इसको एक बार बनाइए, स्टोर करके रखिए और आप इसको हर रोज डेली बेसिस पे पीजिएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अच्छे से फैला देंगे, फैला के रोस्ट करना आसान है क्योंकि बड़े अच्छे से सारी इंग्रेडिएंट्स रोस्ट हो जाएंगे, मतलब अगर फैलाएंगे ना तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा रोस्ट करने में। तो इस तरह से हम इसको रोस्ट कर लेंगे और हल्का हल्का हम इसको ऐसे चलाते भी रहेंगे, हल्का हल्का। तो अच्छे से आपको रोस्ट करना है, ये ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, थोड़े से डार्क कलर के हो जाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, फिर आपको लेना है एक मिक्सर जार और इसे इसके अंदर डाल लेना है सेफ तरीके से, ओके। तो ये देख सकते हैं अभी हम बनाएंगे इनका पाउडर, तो आप देख सकते हैं आपका कुछ इस तरीके का पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल महीन आपको पीसना है, ठीक है ना। फिर आपको लेना है एक कंटेनर, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कितना क्यूट सा कंटेनर है ना। तो ये जो पाउडर है हम इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे ताकि हम इसको अच्छे से स्टोर कर सकें, और आपका जो कंटेनर है वो बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से बंद होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर लेती हूँ पहले, तो मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है। उसके बाद आपको लेना है एक गिलास गुनगुना पानी, कंटेनर खोलना है और ये जो छोटे वाली एक चम्मच है ये लेनी है, अगर आप बड़े वाले ले रहे हैं तो वो हाफ चम्मच लेंगे आप, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मिक्स कर देना है, अच्छे से मिलाना है, अगर आपका पानी गर्म होगा ना, गुनगुना होगा, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गया क्योंकि पानी गुनगुना है। अब आपको इसे कब पीना है, रात को जब आप सोने जाते हैं, खाना खाए हुए जब आपको एक घंटा हो जाएगा, उसके बाद आप दूध वगैरह जो भी लेना है ले सकते हैं। दूध के बाद मतलब इंस्टेंट जब आप सोने जाते हैं, सोने से आधा घंटा पहले आप इस ड्रिंक को पी के सोएंगे, हर रोज आपको पी के सोना है। रात में ही क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि रात में बॉडी
एक्स्ट्रा काम करती है, मतलब रिलैक्स मूड में होती है ना, तो वो जल्दी से जल्दी रिपेयर भी होती है, और मतलब कि अच्छे से आपका जो फैट है उसके ऊपर वर्क करती है सारे इंग्रेडिएंट्स, अगर आप इसको रात में ड्रिंक करते हैं तो। आप सुबह इसको खाली पेट भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रात में भी पी लेंगे और सुबह भी पी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी कि सिर्फ एक है ना बार कमाल पिया। की रेमेडी, है ना कमाल की चीज। और ऑफ कोर्स जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं वो सिर्फ आपको 5 से 10 रुपए में मिल सकते हैं या फिर आपके किचन में हो सकते हैं। तो जल्दी से ढूंढिएगा, इस रेमेडी को प्रिपेयर कीजिएगा, तैयार कीजिएगा, पीजिएगा, और 15-20 दिन के बाद आके आपको कमेंट्स कीजिएगा कि आपको इस रेमेडी पीने से कितना फायदा हुआ है। हर कोई इसको पी सकता है, 10 साल से ऊपर ऊपर आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप, अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस रेमेडी के साथ आप जा सकते हैं। बहुत अमेजिंग रेमेडी है और इससे आपकी बॉडी को कोई भी हार्मफुल, कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।